सुल्तानपुर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार को सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने लंबुआ नगर पंचायत और सुल्तानपुर नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने मंच से कहा कि कमल पर वोट, अपराध पर चोट। वहीं आज गाजीपुर में गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा पर उन्होंने कहा कि हम सभी अदालतों में ठीक से पैरवी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानून राज को मिटने नहीं देंगे। तो वहीं लंबुआ में जनसभा को संबोधित करने के बाद डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर सीधे शहर के पुलिस लाइन में उतरा। यहां डीएम जसजीत कौर व एसपी सोमेन वर्मा ने प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया। उसके बाद उनका काफिला शहर के तिकोनिया पार्क पर पहुंचा, जहां कार्यक्रम स्थल पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर ए वर्मा, भाजपा प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल आदि ने उनका भव्य स्वागत किया। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कोई अच्छी चर्चा नहीं करता था। हमने उत्तर प्रदेश की अदालत में कड़ी पैरवी की है, एक एक माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में या तो उत्तर प्रदेश के बाहर माफिया है या तो जेल में है। हमने अपनी आंखों से देखा है, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भरकर चलते थे लोग। किसी माता बहन को, जो कि किसी व्यवसायी को, किसी बुजुर्ग को धमकाने का काम करते थे। साथ ही साथ अवगत कराते चले कि माफिया आतिक का नाम लिए बगैर डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के राज में आप जानते हैं क्या होता था। सपा के लोग खाली दुकान, मकान व प्लॉट कब्जा करने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी के लोग नारे लगाते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। उन्होंने कहा कि आज हालत क्या है, गुंडे, बदमाश और माफिया गले में तख्ती लटका कर अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की ये रिपोर्ट। जनपद के शहर के शहर ही नहीं, पूरे जनपद की तरफ से और इस मंच पे जितने भी हमारे पदाधिकारी वर्तमान में या पूर्व में, उन सब की तरफ से और सदर विधायक होने के नाते, सुल्तानपुर विधायक होने के नाते, मैं आपका स्वागत करता हूँ सुल्तानपुर की सरजमीन। मैं अपनी बात चूँकि कार्यकर्ताओं के बीच आपका एक कार्यक्रम है और कार्यकर्ता किस हिसाब से कार्य करें और इस चुनाव को इस देश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण जिस प्रकार से लगे हैं, इससे पहले आज तक कभी भी निकाय चुनाव में इस तत्परता से कभी नहीं गए। मैं एक ही बात आपके समक्ष रखूंगा, आदरणीय मुख्य अतिथि जी, जैसा मैंने अभी रास्ते में बताया, आप सबको भी एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आदरणीय पाठक जी को, हमारे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा ये पद, बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होती है। मैं आपको पिछले 32 वर्ष से मेरे आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि राजनीति में या किसी अन्य व्यवसाय में कोई एक व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति को वो सहारा देता है और